Now today we are discussing about is pollinating agent. Pollinating agent और वो जो pollinating agent हम देखने जा रहे हैं आज, that is the insect. ठीक है ना? Insect की pollination को हम देखेंगे. ठीक है? ये एक pollinating agent है. That means it transfers the pollen from anther to stigma. ठीक है बेटा? अब हमारे पास question ये arise होता है कि अगर हमारे पास pollinating agent insect है, flower के अंदर कौन कौन सी characteristics होंगे? फ्लावर कैसा होगा फिर? ठीक है ना? पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, एक तो हमारे पास फ्लावर जो होना चाहिए दैट शुड बी कलर्ड. अगर कलर्ड होगा तभी जो इंसेक्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी ऑर्डर. ऑर्डर होना चाहिए. ठीक है ना? तीसरी बात, वहां पे क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए. ठीक है? और तीसरी बात, चौथी बात अगर हम बोलेंगे, फ्लावर्स शुड बी इन क्लस्टर. फ्लावर्स इन क्लस्टर. फ्लावर जो है वो किस में होने चाहिए? क्लस्टर में, ग्रुप में होने चाहिए. कलर्ड होने चाहिए ताकि अट्रैक्ट हो जाए टुवर्ड्स द व्हाट, फ्लावर. ऑर्डर होना चाहिए, कोई स्मेल होनी चाहिए उसमें, नेक्टर होना चाहिए, और फ्लावर जो होने चाहिए वो क्लस्टर में होने चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट हो जाएगा वो. हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे पास फ्लाइज एंड बीटल्स है. फ्लाइज एंड बीटल्स अगर इनकी बात करोगे, दे गेट अट्रैक्टेड बाय फाउल स्मेल. वो किससे अट्रैक्ट होते हैं? अट्रैक्टेड बाय फाउल स्मेल. ये किससे अट्रैक्ट होते हैं? फाउल स्मेल से. ठीक है ना बेटा? अनप्लीजेंट स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं. और एक बात अगर हम देखेंगे, हमारे पास मैन इंसेक्ट कौन है जो पॉलिनेशन करता है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंटीमोफिली हो रही है और इसके अंदर जो मैन इंसेक्ट है वो कौन सा है जो पॉलिनेशन कराएगा, मैन इंसेक्ट, दैट इज बीज. सो हम ये लिख सकते हैं कि बीज जो है, बीज आर मैन इंसेक्ट पॉलिनेटर्स. इंसेक्ट पॉलिनेटर. ठीक है ना? मैन तो ये है, बीज, याद रखोगे आप मैन, क्योंकि वही तो क्या करते हैं, वही तो अट्रैक्ट हो जाते टोटल सेक्टर को, नेक्टर को वो सक कर देते वहां से, फ्लावर से. दैट मींस दे आर मोस्टली अट्रैक्टेड. तीसरी बात अगर हम देखेंगे, अदर कौन कौन से अदर मुझे बताओ. जैसे हमारे पास बटरफ्लाइज है, वो भी तो होती है अट्रैक्ट. मैन तो कौन है? बीज, बटरफ्लाइज है, वैस्प है, इजंट इट, मॉथ्स है. They also get attracted towards the what? Towards these flowers, yeah, which have a colored, which are colored, which have a order, nectar, and they are in cluster. ठीक है ना बेटा? This is pollinating agent, what we call insect. Yes. और उस pollination को हम क्या बोलते हैं? We call that pollination entomophily. ठीक है? आगे चलते हैं, next one को देखते हैं. और एक हमारे पास that is pollinating agent है, वो भी pollinating agent जो हमारे पास और एक है. That is a bat. कौन है हमारे पास? बैट, जिसको हमने बोला था कैरेप्टेरोफिली, जिसको हमने बोला था. ठीक है ना? अगर हम बैट की बात करेंगे, बैट एक पॉलिनेटिंग एजेंट है, बिल्कुल, वो भी करता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब करेक्ट फ्लावर क्या होने क्या चाहिए? अगर हम देखेंगे, फ्लावर जो होना चाहिए, पहला पॉइंट अगर उसके पास नेक्टर होना चाहिए, फ्लावर के पास ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बैट जो है अगर हम मोस्टली देखेंगे डे टाइम में, बैट जो होता है वो डे टाइम में क्या होता है, वो साइलेंट होता है, बिल्कुल एक जगह रेस्ट पे होता है, क्योंकि उसको हम मोस्टली क्या होता है, एक्टिव नाइट में. ठीक है ना? तो हम ये बोलेंगे कि बैट को कलर्ड फ्लावर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्टर और ऑर्डर जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए फ्लावर के अंदर. तो हम ये लिख सकते हैं. और तीसरी बात, बैट बड़ा ऑर्गेनिज्म है, साइज में बड़ा है, तो हम ये बोलेंगे कि फ्लावर का साइज भी जो होना चाहिए वो भी बड़ा होना चाहिए. सो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, लार्ज साइज फ्लावर होना चाहिए कि नहीं? यस. फ्लावर के अंदर ऑर्डर होना चाहिए,
आर्डर के साथ साथ नेक्टर होना चाहिए, इजंट इट? लेकिन एक चीज आप याद रखोगे, यहाँ पे कलर्ड फ्लावर की जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी कॉल दैट वन इज नो, हम बोलेंगे नो कलर्ड फ्लावर्स, कलरलेस फ्लावर्स होने चाहिए. कलरलेस फ्लावर्स कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कलर्ड होने की. क्यों? क्योंकि डे टाइम में क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और नाइट टाइम में क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है ना बेटा? तो ये हमारे पास कंडीशन है किसकी, पॉलिनेटिंग एजेंट होने की, ये हमारे पास कंडीशन है बैड की. ठीक है ना? आगे चलते हैं, और एक पॉलिनेटिंग एजेंट को हम देखते हैं, दैट इज अ बर्ड. ठीक है ना? आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन विच वी हैव एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, दैट इज अ बर्ड. हमारे पास पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो हमारे पास है बर्ड, जिसको हम बोलते हैं उस पॉलिनेशन को ऑर्थिनोपली. ठीक है ना बेटा? अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमें बता बर्ड जो है किन फ्लावर्स को पॉलिनेट कर सकता है, उसके करेक्ट्स क्या होगी? पहले भी देखो कि बर्ड तो बड़े होंगे साइज में. ठीक है ना? तो लार्ज साइज फ्लावर का होना जरूरी है, ये पहला पॉइंट है. तो अगर हम देखेंगे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, तो हम ये बोलेंगे कि लार्ज साइज्ड फ्लावर्स. ठीक है ना बेटा? दूसरा पॉइंट, अगर आप देखो कि बर्ड जो है वो एक्टिव है डे टाइम में, बैड तो नहीं है, लेकिन बाकी बर्ड्स तो है, जैसे हमिंग बर्ड है. ठीक है ना? तो वो तो एक्टिव है, तो हम ये बोलेंगे कि यहां पे कलर्ड फ्लावर का होना जरूरी है. कलर्ड फ्लावर, फ्लावर के अंदर आर्डर भी होना चाहिए और फ्लावर के अंदर नेक्टर भी होना चाहिए. जैसे हमारे पास एग्जांपल है हमिंग बर्ड. ठीक है ना बेटा? तो अब ये क्या करेगा, ये सक करेगा नेक्टर को, और एक्सीडेंटली क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन भी हो जाएगी. ठीक है ना बेटा? अब क्वेश्चन अराइज होता है, देखो बेटा कुछ बर्ड्स ऐसे, सारे बर्ड्स ऐसा नहीं है, सारे बर्ड्स ऐसे नहीं है कि हम बोलेंगे कि वो आ जाएंगे स्टिक हो जाएंगे पॉलिन. कुछ बर्ड्स वो क्या करते हैं, वो नेक्टर को क्या करते हैं, खा जाते हैं. बस उनका काम ये खाना, फ्लावर के ऊपर आए, डैमेज किया, नेक्टर खा लिया और चले गए. उनको बोलते हैं रॉबर नेक्टर्स. क्या बोलते हैं? रॉबरी नेक्टर्स है, नॉबर रॉबर नेक्टर्स उनको बोलते हैं. वो बर्ड्स जो होते हैं उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं? रॉबर नेक्टर्स. उन बर्ड्स को बोलते हैं जो बर्ड्स क्या करते हैं, इस नेक्टर को क्या करते हैं, खा जाते और कोई काम नहीं करते. अब हमारे पास एलिफेंट भी पॉलिनेशन करता है, पॉइंट आप याद रखोगे. उसको हम बोलते हैं, जैसे बड़ा सा एनिमल है वो पॉलिनेशन करता है. वो कैसे करता है? एक्चुअल में हमारे पास एक फ्लावर है, उस फ्लावर को हम बोलते हैं रिफ्लेशिया. क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेशिया जो है ना, ये फ्लावर जो इसका है, इस प्लांट का जो फ्लावर है, उसको आती है रॉटन मीट स्मेल. क्या आती है? रॉटन मीट स्मेल, खराब हुआ होता है ना गोश्त, उसकी स्मेल आ जाती है रिफ्लेशिया फ्लावर. और उससे क्या होता है, ये रॉटन मीट स्मेल जो है, इट अट्रैक्ट्स इन एलिफेंट. दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाता. ठीक है ना? तो जैसे आप देखोगे कि अगर आप देखते हो ना कि एनिमल एज ए पॉलिनेटर है, तो पॉलन ग्रेन का स्टिकी होना जरूरी है. बात आई मेरी समझ? जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो ना, बर्ड्स है या बैट्स है, इंसेक्ट्स है. तो ये चीज आप ऐड कर दोगे वहां पे सब में, कि जो ये पॉलन ग्रीन होगा इसमें, जब आप बोल रहे हैं कि हमारे पास पॉलिनेटर है, जैसे हमारे पास कौन से पॉलिनेटर्स है, लिविंग पॉलिनेटर्स, बायोटिक एजेंट जो है, या बायोटिक एजेंसी जो है फॉर पॉलिनेशन, तो याद रखोगे उनके अंदर जो पॉलन ग्रीन होंगे, ये आप याद रखोगे, वो स्टिकी होंगे, तभी तो चिपक जाएंगे ना वो, तभी तो क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे. तो पॉलन ग्रीन in case of what you call this orthinopoly, or in case of bat pollination,
pollination, as our bat as a pollinating agent, or in case of what? These insects, what are the pollen giving? They are sticky in nature. What are they? Sticky in nature. ताकि वो चिपक जाए, वो चिपक जाने की वजह से वो एक जगह से ट्रांसफर हो जाए दूसरी ट्रांसफर. चिपक किसके साथ जाएंगे? They will चिपक, वो चिपक जाएंगे, they get sticked with these pollinating agents. Like we have birds, we have insects, we have like this would have what we have is a the bat, isn't it? वैसे आप देखो, मैंने आपको बताया रिप्लेशा एक फ्लावर है जिसको राटन मीट स्मेल आ जाती है, तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है एलिफेंट को टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो इंसेक्ट की ट्रंक के साथ स्टिक हो जाते हैं पॉलगेंस और दूसरे फ्लावर के ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे वो पॉलगेंस जो है वो क्या कर देता है, डिस्पैच कर लेता है अनदर फ्लावर. उसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाती है. एक्सीडेंटल है सारी चीज़, असल में नेक्टर के बाहर ही आ जाते या स्मेल के बाहर ही आ जाते तो ऑटोमेटिकली पॉलिनेशन जो है वो हो जाती है. ठीक है ना बेटा? और एक चीज आप याद रखोगे, जब भी हम whenever we say the pollination is with the help of a abiotic agent, तो pollinations का number थोड़ा कम होगा as compared to the wind, जैसे हमने बोला था wind water से हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो possibility है बहुत कम है और यहाँ की जो possibility है बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो flower है अपने अंदर ऐसे characteristics develop करता है जैसे attract हो जाते हैं कौन, pollinators, so that the pollinations get sticked with them and they get transported from one flower to another flower. ठीक है ना? अब आप लिखो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, दैट विल बी रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स. रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स.